पहले तो मैं ऑडियंस को बोलना चाहूँगा एडवांस में हैप्पी दिवाली। और मैं भी मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। और आज धनतेरस का मौका है, रात हो गई है, मॉर्निंग में ही था। और बस आपने पूछा मैं कैसा हूँ, फिलहाल जिंदा हूँ, क्योंकि टाइगर भी जिंदा है इसलिए हम भी जिंदा है। कितना एक्साइटमेंट आपके अंदर बताओ? एक्साइटमेंट मत पूछो कितनी है, ये पूछो कि जोश कितना है। हाँ, चिल्लाओगे कितना, गला फाड़ोगे कितना। बहुत जोश है, बहुत एनर्जी भरी है। और यार देखो, बहुत एक्साइटेड हूँ मूवी के लिए। अब बस यार ऑन थिएटर, मतलब समझ रहे हो, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में फटने वाला है, बहुत मज़ा आने वाली है। जो लोग रोस्ट कर रहे हैं उसके लिए क्या कहना आपका? अरे यार क्या बोलूँ मैं उन लोग को, मैं बोलते बोलते नहीं थक रहा, वो लोग करते करते नहीं थक रहे। ना मैं थकूँगा ना वो लोग थकेंगे। देखो एक तो हमारे वही है बैंड्रा के प्यारे प्यारे बॉबी भाई, वो मतलब सुधरेंगे नहीं। और दूसरा हमारा के आर के चाचा, एक वो भी एक नमूना कार्टून है, तो वो भी सुधरने वाला है नहीं। बॉबी भाई के लिए तो यार मैं इतना ही कहूँगा कि देखो भाई इतने अच्छे इंसान हैं, इतने अच्छे इंसान हैं कि उनको मतलब गुजर जाना चाहिए, दुनिया से ही गुजर जाना चाहिए। हाँ बहुत अच्छे इंसान है बॉबी भाई। मैंने ना 90s में एक पिक्चर देखी थी सड़क, उसके अंदर पूजा भट्ट थी, संजय दत्ता और एक छक्के का रोल था उसके अंदर, काला नाग छक्के का रोल था। वो भी मतलब बंगड़ी बंगड़ी पहनता, उसकी भी शादी नहीं होती। तो बॉबी भाई का भी सीन कुछ ऐसे ही है, इन ये भी मतलब ऐसे काले दिखते, बंगड़ी पहनते, शादी नहीं हुई, रंडवे मरेंगे। तो मुझे मतलब, तो पब्लिक ऑडियंस को मैं बोलूँगा छक्कों की बात का बुरा नहीं मानने का। तो बॉबी भाई गॉड ब्लेस यू, भगवान आपकी आत्मा को शांति दे और आप गली गली ऐसे ही भोगते रहो, कुछ नहीं बोलूँगा। और केआर के कबूतर रखा किधर, ये मतलब यूनिक नेम, नामकरण हमारे आसिफ भाई ने किया है, मुझे दिया था उन्होंने ये नाम उसका, कबूतर रखा किधर। मैंने जो केआरके को नाम दिया था वो था कुत्ता रास्कल प्लस कमीना। जो केआरके को नाम दिया था ना वो मैंने बहुत भारी दिया था। तो केआरके के बारे में बोलूँगा मैं कि इतना बड़ा बेवकूफ़ इंसान है ना, वो आगरा के पागलखाने से छुटके आया हुआ है, उसको कुत्ते पकड़ने की गाड़ी ढूंढ रही है लेकिन वो मिल रहा नहीं है। दुबई में जाके बैठा है, सिर्फ घर में जाके वीडियो बनाता है, हमारी तरह चौड़े में नहीं बनाता। और टाइगर को खाली रोस्ट करता है और शाहरुख खान की तारीफ करता है। मेरे को लगता है कि शाहरुख खान कहते हैं उसको है ना माल मिल रहा है, तो इसीलिए समझ रहे। और मैंने आज एक लेटेस्ट इंटरव्यू देखा केआरके का, कि उसने ट्वीट किया था कि ना मैंने बोला था कि मैं बुढ़ाओ का करियर ख़त्म कर दूंगा, उसको रोड पर लेके आ जाऊँगा। तो मैं केआरके को बोलना चाहूँगा कि भाई तू रोड पर मिलना मत, सलमान भाई गाड़ी लेके घूमते रहते, पता नहीं कभी तू टायर के नीचे आ जाए। और देखो भाई सुअरों को मारने का है ना इंडिया में कोई मतलब वो नहीं, क्राइम नहीं है, तो इंसान को मारने का क्राइम है, सुअर आएंगे तो कुछ नहीं होगा। तो केआरके ना गंदी नाली का सुअर है, तो सुअर तू सुअर था, सुअर है, सुअर ही रहेगा। केआरके छोटे मियाँ, छोटे मियाँ। तो टाइगर 3 को लेके फाइनली रिलीज हो रही है संडे को 12 नवंबर को, दिवाली के मौके पर हम लोग का एक्साइटमेंट आप देख सकते हो। आधी रात को हम लोग यहाँ पे नज़र आ रहे हैं आपके सामने, तो आप सोच सकते हो कि कितना एक्साइटमेंट है। फर्स्ट डे फर्स्ट शो सुबह 7 बजे का देखने वाले हैं। हालांकि आपको बता दूं कि ये सारे रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं दिवाली में। हालांकि कुछ चुतिया भी बोलेंगे यार रिकॉर्ड्स कहाँ, जवान का रिकॉर्ड नहीं तोड़ रही है, पठान का रिकॉर्ड नहीं तोड़ रही है, फर्स्ट डे कलेक्शन की। तो मैं आपको बता दूं कि ये उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि दिवाली पे जब भी कोई मूवी रिलीज हुई है लक्ष्मी पूजा वाले दिन इतिहास उठा के देख लो कि किसी भी मूवी का कलेक्शन 40 से 45 करोड़ नहीं आई है, लेकिन टाइगर 3 नज़र आ रही है यहाँ पे कि 40 से 45 करोड़ इसका बेंचमार्क आने वाला। तो आप सोच सकते हो कि किस लेवल में पब्लिक टिकट्स बुक किए हुए दिवाली के मौके पर, जिस दिन लक्ष्मी पूजा है लोग मूवी नहीं देखते, उस दिन घर में बिजी रखते फिर भी टाइगर 3 के लिए टाइम निकाल रहे हैं। तो आप सोच सकते हो कि किस लेवल में बज है इसका, क्रेज है। ये मूवी सारे रिकॉर्ड्स तोड़ेंगे मंडे से, 1 वीक है इसके पास, सारे रिकॉर्ड्स की वाट लगा देगी, चाहे वो कोई भी मूवी हो। पहले तो इसकी गदर 2 की वाट लगेगी, क्योंकि गदर 2 का 40 करोड़ का ओपनिंग था, ये पक्का उस दिन गदर का रिकॉर्ड तोड़ने वाला। सेकेंड है जवान या पठान का रिकॉर्ड टूटेगा पक्का। जहाँ तक भाई ने बोला हमारे छोटे मियाँ ने, के मतलब फर्स्ट डे लक्ष्मी पूजा है, तो यार देखो जिनके घर में लक्ष्मी पूजा है बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ा फेस्टिवल है दिवाली का। बट इसी के लिए टाइगर भाई ने सुबह 6 बजे का शो रखा है। जो मतलब रिलेटिव आना चालू होते हैं ना 9-10 के बाद आना चालू होते हैं, लक्ष्मी पूजा मतलब मॉर्निंग में 9-10 के बाद ही होती है, तो 6 बजे का टाइम है, सुबह सुबह जाओ। अगर सलमान सर के फ़ैन हो तो सुबह 6 बजे का शो जाओ और देख कर आ जाओ, उसके बाद करते रहना पूजा। और हम तो काम कर ही रहे हैं, हमारा बॉबी भाई और क्या काम दूजा, देखो क्या होता है। देखो हेटर्स के लिए मैं 2 ही लाइन बोलना चाहूँगा,
रिप एडवांस में, मतलब कि हेटर्स डेट करने वाले, क्योंकि जिस तरीके से परफॉर्मेंस करेगा टाइगर थ्री बॉक्स ऑफिस पे, हेटर्स शांत पड़ने वाले हैं मंडे से। मंडे से कोई दिखेगा नहीं हेटर। और के आर के चीचा का रिव्यू मैं अभी से ही कर देता हूँ, आपको ना के आर के चीचा का वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी से ही रिव्यूज कर देता हूँ के आर के क्या बोलने वाला अपने वीडियो में। के आर के यही बोलने वाला अपने वीडियो में कि ये जो सलमान खान ने एक्शन किया है ना, उसका डुप्लीकेट किया है, पक्का ये बोलेगा उसमें। फिर बोलेगा इसकी जो कहानी, इसकी जो एक्शन सिक्वेंसेज है, और पठान टाइगर जिंदा एक्टर टाइगर से उठा के रिपीट किया है, ये बोलेगा वो बंदा। तो ये आप... और के आर के ने आज देशद्रोही 2 का अनाउंसमेंट भी किया है। हाँ, ट्विटर पे डिजास्टर एडवांस में। और एक और है हमारे हेटर जो बॉबी भाई, जो खान हेटर्स बोलते हैं, बॉबी भाई का भी रिव्यू अभी कर देता हूँ इंटरवल से भागने वाला। हालांकि भागेगा नहीं, लेकिन वीडियो में वो बोलेगा इंटरवल से भागने वाला। तो यार अभी से इन लोगों का रिव्यूज देख लिया हम लोगों के वीडियो में, तो यार इन लोगों का रिव्यू देखने की क्या जरूरत है, मत देखना इन लोगों का रिव्यू। लोग ऐसे ही बोलने वाला है, इंटरवल से भागने वाला है और ये करने वाला है। देखना जरूरी है, जोकरों को देखो। जब कोई मतलब बच्चा रोता है ना, तो मम्मी पापा लेके जाते हैं सर्कस में, थोड़ा जोकर को दिखाते हैं। तो मतलब जितने भी आप देखोगे ना नीचे कमेंट, तो सिर्फ लोग हंसने आते हैं, मज़े लेने आते हैं। ऑडियंस काफ़ी स्मार्ट हो गई है, उनको अच्छे और बुरे की पहचान है, तो लोग देखेंगे। अगर पिक्चर बुरी होगी तो हाँ मैं भी बुरी बोलूँगा, अगर पिक्चर अच्छी होगी तो मैं अच्छी बोलूँगा। देखो फैन है, चूतिए नहीं है हम। मैं मतलब अक्षय कुमार की तरह वो नहीं हूँ, सनी पाजी की तरह ये नहीं हो कि मतलब सेल्फी को सुपर हिट बोलूं, और इतनी मतलब राम सेतु को मैं सुपर हिट बोलूं, लक्ष्मी बॉम्ब को मैं सुपर हिट बोलूं, क्योंकि यार इतनी बड़ी बड़ी पिक्चरें दी है अक्षय पाजी ने, जो बॉबी भाई बोलते हैं ना कि इतनी बड़ी बड़ी सुपर डुपर मूवीज़ दी है। मुगले आज़म में लाइन लगती थी, मैंने सेल्फी के टाइम में अक्षय कुमार की गेटी गैलेक्सी के बाहर देखा भाई, कि मतलब वो टॉयलेट तक लाइन थी, इतनी लंबी लाइन थी। मतलब बहुत क्लास मूवी थी सेल्फी अक्षय कुमार की, आप सोच नहीं सकते, सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया था उसने। ये सब कुछ भी नहीं है, सलमान खान शाहरुख खान ये क्या है, कुछ भी नहीं है अक्षय कुमार के आगे। और जो अभी आई थी ना लेटेस्ट मूवी अक्षय सर की, कौन सी थी, मिशन रानीगंज जी, जो मिशन पे निकले थे ना एक हफ्ते में वो घर पे पहुंच गए, वो मिशन पे निकले और एक हफ्ते घर पे पहुंच गए, तो सोचो कितना फास्ट मिशन था उनका। तो बॉबी भाई आई लव यू, बहुत प्यार करते हैं हम लोग आपसे। हाँ। और खासकर हमारे क्यार के चीजा, तो उनको तो दिल से जाते हैं। मैं ज्यादा करता हूँ, देखो क्यार के चीजा के लिए मैं तो एक ही वर्ड बोलूंगा कि क्यार के चीजा जो है ना यार, वो इंटरटेनमेंट की दुकान है। उनकी वीडियो देखोगे आप इंटरटेन हो जाओगे, मतलब कि उनसे अच्छा कॉमेडी यार कपिल शर्मा भी नहीं करता, जिस तरीके से वो कॉमेडी करता वीडियो में। तो लोग उनके जितने भी मिलियंस में फॉलोअर्स है ना, सिर्फ उनको टाइम पास चाहिए, इसके वजह से उनको फॉलो करके बैठे हैं। और उनकी जब वीडियो आता है तो फटाफट खोल लेते हैं, क्योंकि वो इतनी अच्छी इंटरटेनर करते हैं, चेहरे पर स्माइल, मतलब मुर्दे भी हंसने लगे, ऐसे कॉमेडी करते हैं वो। तो क्यार के चीचा बस ऐसे ही हम लोगों को इंटरटेन करते रहो। और जो हमारे छोटे मियां है, थोड़े बहुत डरते हैं मतलब नाम लेने से बॉबी भाई का। देखो बॉबी भाई डरता नहीं हूं, आप भी रिस्पेक्ट। अरे बाप रे बाप, बहुत बहुत इज्जतदार आदमी है जो रिस्पेक्ट दे रहे हैं, हैट्स ऑफ। रिस्पेक्ट है थोड़ा, रिस्पेक्ट है थोड़ी भाई को, बट देखो रिस्पेक्ट तो मुझे भी है, मतलब छोटों की भी है, बड़ों की भी है। बट बॉबी भाई आप भी बैंड्रा में रहते हो, मैं भी बैंड्रा में रहते हो, मिलो कभी हवेली पे, देखते फिर आप क्या कर सकते हो। तो बॉबी भाई आपसे बहुत प्यार करता हूँ मैं, मेरे काले कलूटे, मिलो कभी हवेली पे, देखते किसका क्या कर सकते हो आप। अब इंतजार करो संडे का 5 डे फर्स्ट शो रिव्यूज़। जी जी, जी।